प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हर विश्वासी के अंदर ये सवाल रहता है, क्या मेरा पाप क्षमा हुआ है? क्या मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है? अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो क्या वो उद्धार हो जाएगा? ऐसा तमाम सवाल है जो कंफ्यूजन हमारे अंदर में क्रिएट करता रहता है, और हम कंफ्यूजन के दौर से गुजरते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। सो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन तिर्की। 15 सालों से जवानों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करता हूं। साप्ताहिक बाइबल स्टडी, 1-to-1 काउंसलिंग और फिर कई वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास दो केस लेकर आ रहा हूँ। केस नंबर 1, मूसा इसराइलियों को मिस्र का गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर लेके जा रहा था। जब लेके जा रहा था तो रास्ते में एक ऐसा जगह आया जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था। इसराइली लोग चिल्ला रहे थे और मूसा को गालियां दे रहे थे कि हमें पीने के लिए पानी दो, क्या तू हमें यहां मारने के लिए लाया है? इसके बारे में जिक्र निर्गमन 20 अध्याय में है। मूसा परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु जी इनको पानी दीजिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाओ और उस चट्टान से बातचीत करो और वह चट्टान तुम्हें पानी देगा। मूसा और हारून चट्टान के पास गए और लोगों को बुलाए कि मेरे पास में आओ, और मूसा बौखलाते हुए उस चट्टान पर अपना लाठी से मारा और पानी निकलने लगा। यहां एक गलती मूसा से क्या हो गया कि मूसा ने क्या किया, चट्टान से बातचीत करने के बजाय चट्टान पर लाठी मार दिया, और परमेश्वर इसी बात से क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि तूने मेरा आज्ञा को नहीं माना है। और तब परमेश्वर ने मूसा को उधर ही रखा और मूसा की मृत्यु उधर ही हो गई, मूसा कनान देश में नहीं जा सका। तो दोस्तों, आपसे ये सवाल कि अगर हम अनाज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करें, तो क्या हम अपना उद्धार खो देंगे? क्या परमेश्वर हमें भी स्वर्ग जाने नहीं देगा? आप इस विषय में सोचिए। दूसरा एक केस मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक भाई है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, 1-2 साल विश्वास में बढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रभु से दूर होने लगे। पाप होता रहा, फिर माफी मांगते, फिर पाप होता रहा, इसी तरह से जिंदगी चलने लगा। अब इसका सवाल है मन में कि अब भी ना चाहते हुए भी मुझसे पाप हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मैंने अपना उद्धार खो दिया है? हो सकता है कि आपका मन में भी यह सवाल आया होगा। सो आइए इस सवाल का जवाब हम लोग आज का टॉपिक में देखेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है कि क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं या नहीं। आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना विचार। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो आइए हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक, उद्धार का निश्चयता। और इसमें बहुत सारे बातों को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले उद्धार का 3 सच, ये 3 बातें जो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। दूसरा, उद्धार का आश्वासन या उसका जो मीनिंग है उसको हम समझेंगे। ये आश्वासन या निश्चयता का गलत आधार क्या है, ऐसा क्या क्या बात है जिसके आधार पे हम पक्का कर लेते हैं कि हाँ, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हमारा पाप क्षमा हुआ है। गलत आधार भी है, हम उसे देखेंगे। उद्धार का आश्वासन का सही आधार क्या है, उस बात को भी हम देखेंगे। ठीक है, प्रभु को ग्रहण करने के बाद कभी कभी पाप हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर पाप हो जाए तो? अगर आज का इस सच्चाई को आप जान लेते हैं, बढ़िया से समझ लिए, तो जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, आपका आत्मिक जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। सो मैं तो बहुत खुश हूं। उद्धार का सच्चाई से संबंधित 3 बातें आपको जानना चाहिए। पहला जस्टिफिकेशन, दूसरा सैंटिफिकेशन और तीसरा ग्लोरिफिकेशन। क्या है इसका मतलब, हम यहाँ पर डिटेल में से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जस्टिफिकेशन, हिंदी में इसका मतलब होता है धर्मी ठहराया जाना। धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है, जैसे कोर्ट में आपने सुना होगा कि इस मुजरिम को बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब मुजरिम के ऊपर कुछ केस दर्ज था, कुछ गुनाह था,
लेकिन बाद में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं पाया गया, निर्दोष ठहरा वो। सो यही है जस्टिफिकेशन का मतलब। दूसरा मतलब यह है कि यीशु मसीह ने हमें अपना धार्मिकता दे दिया है। जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह का धार्मिकता हमें और आपको दिया गया। इसका क्या मतलब है, आइए हम इसे यहां समझेंगे। जैसे जब ये फोटो देखते हैं आप, इस लड़की का फोटो, तो हम सीधे तरीके से इसे देख सकते हैं। अगर ये लड़की बुरखा पहन ले, मतलब कुछ इस तरह से, तो क्या हम उस लड़की को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। हम क्या देख पा रहे हैं? केवल बुरखा को, उसके ऊपर का काला रंग का कपड़ा को। सो इससे हम क्या समझते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह का निर्दोषपन, उसका धार्मिकता, परमेश्वर के साथ अच्छा स्टैंडिंग, परमेश्वर के साथ निर्दोषता से खड़ा होने वाला जो गुण है वो हमें दिया गया, और हम यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर पिता के सामने, न्यायी परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे, बाइज्जत बरी किया गया है। ओके, सो बाइबल हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर पिता जब हमें देखता है तो यीशु मसीह के समान निर्दोष देखता है, हम में कोई दोष नहीं देखता है। हालेलुया, हमारा सारा पाप धो दिया गया है, सारा पाप माफ हो गया है, अब कोई भी पाप नहीं रहा। ओके, सो दूसरा सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। ये पवित्रीकरण का क्या मतलब है हम यहां पर समझेंगे। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम दुनिया से अलग हो गए, परमेश्वर के तरफ हो गए। इसका मतलब ये कि दुनियादारी से अलगाओ और परमेश्वर के साथ जुड़ाओ, ये है सैंक्टिफिकेशन का मतलब। इसका मतलब ये कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हमें पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा हम में वास करता है और पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे पवित्र करता जाता है। ओके, इसका तीसरा मतलब यह है कि अब धीरे धीरे बुराई से अच्छाई के रास्ते की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर का जो गंदगी था, हमारे अंदर का जो दोषपन था, हमारे अंदर में जो बुराइयां पाई जाती थी, हम वहां से धीरे धीरे अब निकलकर अच्छाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब हमारा जीवन में एक डिसिप्लिन आ गया है और हमारे जीवन में एक मकसद है कि हम परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जिएंगे। ओके, हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का कोशिश करते हैं। हम जितना पवित्र आत्मा को अपना जीवन में काम करने के लिए अलाउ करते हैं, उतना ही अधिकार वो हमारा जीवन में रखता है और वैसा ही हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण में होता जाता है। सो पवित्रीकरण मतलब शुद्धिकरण, साफ करना, अच्छा करने का काम पवित्र आत्मा हमारा जीवन में करता है। ओके, तीसरा पॉइंट है ग्लोरिफिकेशन, मतलब महिमित करेगा या भविष्य में होने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब हम सब जो मसीह में सो गए वो जिंदा हो जाएंगे। ओके, और जिंदा होने के बाद क्या होगा? हमारा जो दीनहीन मिट्टी का देह है वो बदलकर महिमावान देह में बदल जाएगा, एक ऐसा देह, अमर देह, जो कभी भी मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं। एक ऐसा देह मिलेगा, पवित्र देह, जिसमें पाप और मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में अपना जान देकर पाप का सजा, मृत्यु को हरा चुका है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। वैसे ही हम भी जी उठेंगे और उस समय हमें आदर और महिमा के साथ मुकुट दिया जाएगा। जैसा काम हमने विश्वास पे होकर यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए किया है, उसके अनुसार हमें इनाम मिलेगा, मुकुट। ओके, और वह मुकुट हमें महिमा और आदर परमेश्वर के सामने देगा। ओके, सो सच्चाई यह है कि जस्टिफिकेशन, जिसका मतलब है धर्मी ठहराया जाना, यह है पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमारा पाप क्षमा हो चुका है, ठीक है। सैंक्टिफिकेशन दूसरा, इसका मतलब यह है कि पवित्रीकरण, धीरे धीरे हम पवित्र किए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारा दिन प्रतिदिन का पाप के लिए भी यीशु मसीह ने अपना जान दे चुका है क्रूस में। यह है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान में भी हमारा पाप क्षमा हो चुका है। ग्लोरिफिकेशन मतलब भविष्य में महिमित करेगा, यह है फ्यूचर टेंस। इसका मतलब जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हम कंप्लीट उद्धार पाएंगे,
हमारा देह भी जो दीनहीन पाप का स्वभाव वाला देह है वह उद्धार पाएगा। ओके, सो उद्धार का निश्चयता का क्या मतलब है, आइए हम इस बात को समझेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। कैसे विश्वास है, किस पर विश्वास है, हम उसे आगे देखेंगे। सो क्या विश्वास है कि मेरा पाप क्षमा हो चुका है और अनंत जीवन मुझे मिल चुका है, और क्या विश्वास है कि यीशु मसीह के आने पर महिमा पाएंगे, ऐसा आश्वासन निश्चयता है कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। ये हमारे और आपके काम के वजह से नहीं, यीशु मसीह के काम के वजह से, और ये विश्वास करना उद्धार का निश्चयता है। मतलब कि हमारा उद्धार नहीं खोएगा, हम बचाए गए हैं कंप्लीटली, यही विश्वास करना उद्धार का निश्चयता का मतलब है। ओके, सो सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपने उद्धार पा लिया है। सो आइए हम इस बात को देखेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए अपना विचार। सो उद्धार का आश्वासन का गलत आधार क्या है? अगर आप लोगों से पूछेंगे ना कि क्या आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, क्या सबूत है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो आपको बहुत सारा वजह बताएंगे, और बहुत सारा वजह में से कुछ वजह जो गलत आधार है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि क्या आपने उद्धार पाया है, तो लोगों ने ये जवाब दिया था कि भैया मुझे ना बीमारी से चंगाई मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उद्धार पा लिया है। ये गलत है। और एक जन ने बताया कि मैंने अपना प्रॉब्लम के लिए प्रेयर किया और परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर कि मेरा उद्धार हो गया है, ऐसा विश्वास करते, यह भी गलत है मेरे प्रियो। एक भाई बोलते हैं कि मेरे अंदर में दुष्टात्मा था और मुझे दुष्टात्मा से छुटकारा मिला जब परमेश्वर के दास ने ऐसा मेरे लिए प्रार्थना किया था, तो यह आधार भी गलत है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा उद्धार हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने कन्फर्मेशन लिया है चर्च में। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो यह आधार भी गलत है मेरे प्रियो। अगर आप सोचते हैं कि ओके पास्टर जी ने मेरा सर में हाथ रख के प्रार्थना किया था, तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रो रही थी। जब पूछा जाए क्यों रो रही थी तो मालूम नहीं। प्रार्थना के बाद मेरा शरीर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि इस आधार पर कि आपको उद्धार हो चुका है, तो यह भी गलत आधार है। तो क्या है सही आधार? आइए हम सही आधार को यहाँ पर देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि उद्धार का निश्चयता का सही आधार क्या है। उद्धार का निश्चयता का सही आधार तीन है। सबसे पहला परमेश्वर का वचन बाइबल, दूसरा पवित्र आत्मा जो हमें उद्धार पाने के समय दिया जाता है, और तीसरा परिवर्तित जीवन, हमारा जीवन में बदलाव आ जाता है। सो ये तीनों को, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और परिवर्तित जीवन, हम इसको एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। सो आइए परमेश्वर का वचन को पहले देखते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, मतलब यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, उनको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना 3:16 बताता है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका हो जाता है, और रोमी 10:13 के अनुसार कि जो यीशु का नाम लेता है, जो विश्वास करता है यीशु को अपना प्रभु जानकर, अपना जीवन का मालिक बनाता है, उसका उद्धार हो जाता है। सो परमेश्वर का वचन हमें स्वयं इस बात को बताता है कि हाँ हमने उद्धार पा लिया है। क्या आपको वचन के अनुसार इस बात का निश्चयता है कि आपका पाप क्षमा हो गया है? ऐसा कई वचन है जो आपको इस बात का निश्चयता देता है। दूसरा पवित्र आत्मा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, पवित्र आत्मा हम में, हमारा शरीर में रहता है। लिखा है रोमी 8:16-17 में कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अंदर से एक आवाज निकलता है जिससे हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। इफिसियों में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया गया, स्टाम्प लगा दिया, एक मोहर कि अब ये परमेश्वर का है। सो क्या पवित्र आत्मा का छाप आपको लगा है?
तीसरा बात, परिवर्तित जीवन। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हो सकता है कि एक बार में ना बदले, पर धीरे धीरे बदलता है। यह तीसरा जो आधार है, यह थोड़ा सा धीरे से दिखाई देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। पुराना जॉन यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, मर गया, खत्म हो गया, और अब एक नया जॉन यीशु मसीह के समान अच्छा स्वभाव वाला आ गया है। वह जॉन जो बुरा बुरा काम करता था अब वो नहीं करता। वह जॉन अब बदल गया है, यीशु मसीह के समान अच्छा स्वभाव वाला हो गया है। क्या हमारा जीवन बदला है? जब आप पहला यूहन्ना 3 उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के समान दूसरों से भी प्रेम करने लगते हैं। पहले हम बहुत लड़ते और झगड़ते थे, परिवार में अच्छा रिश्ता नहीं था, या हम पाप में जीवन बिता रहे होते थे, लेकिन अब परिवार में अच्छा रिश्ता है, हम प्यार से बात करने लगते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। अगर हमें शराब का आदत था तो वो आदत हम छोड़ देते हैं, और कई तरह की बातें जो बुरा बुरा था वो छोड़कर हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के समान अंश दर अंश बदलते जाते हैं। सो वचन, पवित्र आत्मा और परिवर्तित जीवन, ये तीन आधार उद्धार का, निश्चयता का आधार है। क्या आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है? यहाँ भाई साहब बैठे बैठे एक सवाल कर रहे हैं, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है, मैं अब भी पाप करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, सच तो ये है कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी पाप हो जाता है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जब पाप हो जाए? सो सबसे पहली बात, अपने जीवन को जांचें कि हम कहां पर कमजोर है, किन बातों में हम गिर जाते हैं। ओके, दूसरा, यीशु मसीह का जो बलिदान है उसको याद कीजिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए, आपका पाप के लिए, मतलब आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पाप के लिए क्रूस में अपना जान दे चुका है। उस बात को याद रखिए, याद रखिए इस बात को कि यीशु मसीह आपको और आपका कमजोरियों को समझता है, क्योंकि वह खुद इन सब से होकर गुजरा, लेकिन उसने पाप नहीं किया। जब आप इब्रानी 2 का 18 वचन और 4 और 15 वचन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे और आपके समान यीशु मसीह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए परमेश्वर पिता से निवेदन करता है कि भाई साहब, ये जो पाप कर रहे हैं ना, ये कमजोर है, मैं समझता हूँ, परमेश्वर पिता इन्हें माफ कर दीजिए, कि जॉन कमजोर है, इसे माफ कर दीजिए। वह हमारे लिए निवेदन करता है। ओके, सो परमेश्वर को आप क्या कह सकते हैं, सॉरी। क्यों सॉरी कहना है? क्योंकि परमेश्वर पिता के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। हम जब एक रिश्ते में रहते हैं तो हम एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू जरूर बोलते हैं। परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध होने की वजह से हमें सॉरी कहना है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई नहीं, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु हमें जरूर माफ करेंगे। वो पश्चाताप जो हमने प्रभु को ग्रहण करने के लिए किया था वो अलग है, और यह अलग है क्योंकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए हम अपने पाप के लिए खेदित होते हैं और डिसीजन लेते हैं कि प्रभु हमें सहायता करे कि हम उस पाप को ना करें। और परमेश्वर का वचन को आपको याद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 और 11 वचन में लिखा है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और आगे लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने हृदय में वचन को हम कैसे रखेंगे? परमेश्वर के वचन को याद करके। सो जो वचन आपका कमजोरी से संबंधित है उन वचनों को आप लिख लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए या दीवार में लिख लीजिए। आप उठते बैठते उसे देखते रहिए, याद करते रहिए। सो ऐसे परमेश्वर का वचन आपको सहायता करेगा कि आप पवित्र जीवन जी सके। एक बात आपको और करना है अपना जीवन में,
वो ये कि अपना देह को अनुशासित करना है। अनुशासित करने का मतलब क्या है कि पहले कैसे भी जिंदगी जी रहे थे, ओके, हमारा शरीर जैसा चाहता था वैसे चल रहे थे, लेकिन अब वैसे नहीं, लेकिन अपना बॉडी को एक डिसिप्लिन में रखना है। पॉलुस यहां पर बोलता है कि मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। सो मेरे प्रियो, हमारा देह को ऐसा काटने का जरूरत नहीं है, मारने का जरूरत नहीं है, ठाए ठाए ऐसा नहीं, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना शरीर को अपना कंट्रोल में रख सके, या हमारा अपना कोशिश और परमेश्वर का अनुग्रह से हम जरूर कर सकेंगे। आमीन। सो आइए हम लोग आगे देखते हैं, उद्धार का निश्चयता होने पर क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा अगर हमें यह विश्वास हो जाए कि हाँ हमने उद्धार पा लिया है। सबसे पहली बात, पाप का जो दोषपन है ना, तुमने गलती किया है, तुम गलती किए हो, इस बात का जो दोषपन आता है हमारे मन में बार बार, हम इससे परेशान नहीं होंगे, यह हमें छोड़कर चला जाएगा। दूसरा बात, हमारा आत्मिक उन्नति होगा, हम स्पिरिचुअली मजबूत होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ओके, और हमारे अंदर में सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ आएगा, हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकेंगे, और जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो उस समय में गॉडली कॉन्फिडेंस, ईश्वरीय विश्वास हमारे मन में आएगा। अगर आपके अंदर में उद्धार का निश्चयता नहीं है तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा ही ठिकाना नहीं, दूसरों को क्या बचाए क्यों? क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है, आपको इस बात का पक्का निश्चयता नहीं है कि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। सो एक चेला बनने के लिए आपके अंदर में उद्धार का निश्चयता होना जरूरी है, ओके? आप धीरे धीरे चेला बनने की ओर बढ़ते जाएंगे क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया, उद्धार का निश्चयता आ गया। अब आप दूसरों को जो आत्मिक रूप से कमजोर है उनको भी सहायता कर पाएंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है कि आप कमजोर है, और आप धीरे धीरे अनुभव में होते हुए आत्मिक उन्नति किए हैं, तो अब आप उनको जो कमजोर है आत्मिक रूप से उनको आप सहायता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में उद्धार का निश्चयता आ चुका है, आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरा संबंध तो परमेश्वर के साथ, मतलब राजघराने के साथ है, इसीलिए मैं वैसा जिंदगी नहीं जीऊंगा जैसा पहले जीता था, और अब परमेश्वर के साथ एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए कोशिश करेंगे, ओके? सो अगला जो टॉपिक है वो है कि बाइबल कैसे पढ़े, और बाइबल पढ़ने के बाद मनन कैसे करें, हम इस बात को देखेंगे, जो एक चेला बनने के लिए बहुत जरूरी है, हर एक मसीही विश्वासी के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूं कि क्या आपका उद्धार हो चुका है, इस बात का निश्चयता है आपको? अपने आप को जांचिएगा, इसका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू।